प्रतिदिन खा रहे हैं, एक डेली अगर आप रोज खा रहे हैं, 10 दिन में तो आपके जिस्म से होने वाली कमजोरियों को निकाल देती है। रिटर्नेबल वारंटी मिलती है, 30 दिन खाइए, अगर आपको कहीं लगता है तो ऐसा तो लगेगा भी नहीं, लेकिन अगर आपको फील होता है या आप टेस्ट करना चाहते हैं तो रिटर्न कर दिया, आपको जो इस्तेमाल किया है उसका पैसा भी कंपनी रिटर्न करने की बात करती है। तो ये डेली एक टैबलेट अगर आप पर डे लीजिएगा, कुछ दिन में देखिएगा कि आपके जिस्म से थकन और बहुत सी बीमारियां एग्जिट आउट हो जाएंगी। इसी तरीके से फैट की रिक्वायरमेंट होती है हमारे सेल को, गुड फैट चाहिए होता है जिसको हम लोग ओमेगा 3 बोलते हैं। ओमेगा 3 जो है वो बहुत सी चीजों से मिलता है, सर्च कर लीजिएगा नेट पे जाके। ये कंपनी आपको वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का ओमेगा 3 देती है जो जिंदा मछली से एक्सट्रैक्ट करती है। नॉर्मल जो मार्केट में ओमेगा 3 मिल रहा है वो मरी हुई मछली से निकाला जाता है, एक जिंदा गाय का दूध और एक मुर्दा गाय के दूध में आपको फर्क पता है। तो ये आपको क्या पावर देता है, आपके दिल को मजबूती देता है, इसी ने मेरी जान बचाई है। ये आपके दिल को मजबूती देता है, जिस्म के 60 एरियाज को कवर करता है, 60 एरियाज को कवर करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, चेहरे की चमक बढ़ाता है और बहुत सी बीमारियों से अकेले फाइट करता है और सेल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से दोस्तों हमको विटामिन सी चाहिए होती है, सब कह रहे हैं नेचुरल सी चाहिए होती है। विटामिन सी जो है ये हमारे सेल की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, सेल के तारों तरफ एक पोच बनाती है एंटीऑक्सीडेंट का, जिससे कि इस पर अगर अटैक होता है फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल ये बहुत सी खराबियों से पैदा होता है, जिस्म का शैतान है ये, जिस्म को बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसका। तो सेल जब डैमेज होने लगता है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, माइक अगर ऑफ कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत से लोग इसको सुन रहे हैं, आपके माइक की वजह से लोगों को प्रॉब्लम उठाना पड़ती है, प्लीज माइक को ऑफ रखें, बहुत देर की बात नहीं है। तो हम लोग देखेंगे सेल की आउटर सरफेस पे हमारा नेचुरल सी काम करता है, विटामिन सी काम करता है। विटामिन सी में एक टैबलेट दिन भर में आपके जिस्म में आने वाली हर प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, जस्ट 1 टैबलेट। इसी तरीके से आपके इंडियन हर्ब भी ये कंपनी बना के देती है, वसाका, वन ऑफ द बेस्ट। ये वसाका एक टैबलेट अगर लेंगे, 2 टैबलेट लेंगे तो आपकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है, आपकी जो सांस लेने का, आपकी जो खांसी है, नजला है, जुकाम है, उन सबको, ये फेफड़ों को, आपके आपके जो लंग्स हैं उनको मेंटेन करता है, क्योंकि ये वायरस जो है वो हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है। इसी तरीके से तुलसी तो भाई मशहूर है, हमेशा हमेशा से एक टैबलेट में 100 पत्तियों का अर्क है। कौन कंपनी कह रही है, न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट के बारे में आपको बताएं तो 2 घंटे का एडिशनल प्रोग्राम चाहिए। न्यूट्रलाइट वो कंपनी है जो लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में इंडिया में प्लांट लगाती है, एशिया में अकेला ऐसा प्लांट है जो ये सर्टिफिकेट रखता है। मतलब हर तरह से उसमें पत्ती जब अंदर जाती है, सामान जब अंदर जाता है, जब बाहर निकलता है तो 100% श्योरिटी देता है, देती है ये कंपनी कि किसी तरह का पॉल्यूशन ना हो। आपका पहला हाथ होता है इस गोली में लगने वाला जब ये पेड़ से होके आप तक पहुंचती है और बीच में कोई इसको टच नहीं करता है। तो इसी तरीके से एकिनेशिया बनाती है ये, 17 डेज का ये कोर्स होता है, और अगर एक बार हम ये कोर्स एग्निशिया का कर लेते हैं, एक बॉटल अगर हम एक बार खा लेते हैं, 6 महीने तक आप सब तरह की प्रॉब्लम से, खास तौर से इंफेक्शन से महफूज रहते हैं। तो दोस्तों अपने सेल की केयर कीजिए, ये आपको नई जिंदगी देगा, आपके बच्चों के चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है उसकी हिफाजत हमारे सेहत से ही होती है। अब अगर हम सेहत की बात करें, तो और न्यूट्रलाइट को हम पीछे छोड़ दें, तो दोस्तों सेहत और न्यूट्रलाइट एक दूसरे के नेमुल बदल हैं, एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं। 85 ईयर से ये कंपनी फंक्शनल है, वर्किंग में है, आप खूब जाके इसको चेक करिए, बेस्ट सर्विस प्रैक्टिसेस हैं इनकी, 100% अपनी खेती करते हैं, 6,500 एकड़ के फॉर्म्स हैं, खुद की खेती करते हैं, और बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट ऑफ साइंस ये हमको ला कर देते हैं। इसी तरीके से कितने फैक्ट्स गिनवाए इसके, ये कंपनी पूरे तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी तरह का केमिकल ना खाद में, ना पत्तियों पे, ना पेड़ों पे ये इस्तेमाल नहीं करते। चिड़िया पालते हैं, कुछ बग्स पालते हैं जो हमारे पेड़ों में आने वाले बग्स को, नुकसानदेह बग्स को खत्म करते हैं। तो जब हमारी सेहत अच्छी हो गई और हमने इतनी लंबी लिस्ट आपको बता दी, भाई पैसा तो लगेगा ही इसमें कि हम लोग
प्रोटीन ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं, ओमेगा 3 ले रहे हैं, वसा का ले रहे हैं, नेचुरल सी ले रहे हैं, तुलसी ले रहे हैं, अश्वगंधा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वगंधा ले रहे हैं, एकिनेशिया ले रहे हैं, पैसा तो लगेगा ही। और अगर दिल में यह आ रहा है कि महंगा है, तो एक बार ध्यान से सोचिए क्यों लग रहा है कि महंगा है। हमको भी शुरू में महंगा लगा था, लेकिन हार्ट का ऑपरेशन से सस्ता था, इंसुलिन लगना शुरू हो जाती उससे सस्ता था, लीवर के फेल्यूर से बहुत सस्ता था। लेकिन हमारे मेंटर जो थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे मेंटर हैं, मैं उनके कहे पर चल रहा हूँ, मैं उनका बहुत बहुत ओपन फोरम में शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिंदगी दी, उन्होंने पैसा और समय कमाने का भी मौका दिया। तो किसी को भी अगर ये महंगा लग रहा है तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पैसा कैसे कमा सकते हैं। पैसा 99% जो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, पैसा उसकी वजह होता है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयों की मेजर वजह जो होता है 10-20 हजार में ही सब निपट जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस पैसे को किस तरह से कमा सकते हैं। किसकी बात सुने? पैसे के लिए पड़ोसी की बात सुने, दोस्त की बात सुने, बॉस की बात सुने, किसकी बात सुने? कहते हैं कि अकलमंदी यह है कि एक्सपर्ट की बात सुने, जो कर चुका है उसकी बात सुने। कभी भी इस बिजनेस के लिए भी किसी ऐसे से मत पूछिएगा जो फेल हो गया है, जो नहीं कर पाया है, जो कहता है नहीं चलता है। ऐसे से बात कीजिएगा जिसने किया है। आईएएस अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी ऐसे से पूछते हैं जो 10 बार फेल हुआ है, वो सब फेल होने की तरकीबें बताए। किसी ऐसे से पूछते हैं जिसने एक ही अटेम्प्ट में 10 तरह के एग्जाम को क्लियर कर लिया है, वो आपको सफलता के रास्ते बताएगा। तो अपनी ब्रेन का यूज कीजिएगा, तो इस मामले में यूज कीजिएगा, उससे पूछे जो बता सकता है, उससे मत पूछिए, उससे मत डिस्कस कीजिए जो आपके सपनों को कैंची लेके काट देने वाला है। तो आइए जब पैसे की बात करेंगे तो एक बहुत ज्वलंत नाम है, रॉबर्ट पी क्योसाकी। रॉबर्ट टी क्योसाकी की जब बात करते हैं तो एक 9 साल का बच्चा था जिसने अपने घर में देखा कि फादर जब आते हैं तो परेशानियों से घिरे हुए हैं, और क्या है, वो उस पूरे शहर के एजुकेशन के हेड हैं, लेकिन हमेशा वो बिल्स लेके बैठे रहते हैं, हमेशा ये कहते हैं ये लाइट बंद कर दो, वो पंखा बंद कर दो, ये कम चीजें कम करो, और गाड़ी कम चलाओ, और ये कम करो, हर तरफ कमी दिखती थी। जबकि ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, ही वॉज द हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंट्री। फिर उन्होंने अपने दोस्त को देखा कि जहां पे दोस्त के फादर जो है वो कभी सोफा बदला जा रहा है, कभी नई साइकिल आ रही है, कभी कुछ हो रहा, तो उनको लगा 9 साल की उम्र में कि ये हो क्या रहा है यार, एक तरफ तो इतनी पैसे की खींचातानी और एक तरफ इतनी पैसे की रवानी। तो उन्हीं ने उस वक्त 9 साल की उम्र में सीखना शुरू किया, अपने डैड को, वर डैड कहा, अपने जो उनका फ्रेंड था उनके डैड को रिच डैड कहा। रिच डैड और पुअर डैड के ऊपर उन्होंने एक बुक भी लिखी और सीखना शुरू किया कि पैसा कैसे कमाते हैं। तो ये एक्सपर्ट कह रहा है। इस वक्त आप नेट पर इसका नाम डाल के देखिए, गूगल में इसका नाम डाल के देखिए, आपको दिखेगा कि अरबों खरबों रुपए इन्हें कमाए, बिलियनेयर हैं। तो इनसे सीखना ज्यादा अच्छा है या जो पड़ोस की दुकान के ऊपर खड़े होकर पान खा रहा है उससे सीखना ज्यादा बेहतर है? डिसीशन तो आपको ही लेना है। आइए देखते हैं रॉबर्ट क्योसाकी क्या कहते हैं। रॉबर्ट क्योसाकी कहते हैं कि पैसा दुनिया में बड़े 2 हिस्सों में बटा हुआ है, राइट साइड के लोग हैं, लेफ्ट साइड के लोग। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में वो लोग हैं या तो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? ये वो लोग हैं कि जो बहुत मेहनत करते हैं, 8-8, 10-10, 12-12, अभी लॉकडाउन में जो वर्क फ्रॉम हो रहा है तो ये एम्प्लॉय 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, 9 बजे बैठते हैं, रात में उठते हैं कंप्यूटर के सामने से। इन एम्प्लॉयज का क्वालिटी क्या होती है कि ये बेस्ट एजुकेशन लेते हैं, 15 साल 18 साल खूब पैसा लगा के 10-10, 12-12 लाख में बड़ी डिग्रियां करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA करते हैं और किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं, हमारी बहुत से लोग जो है वो इसमें शामिल है। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, पैसा मिलता है, लेकिन 10 घंटे की नौकरी और हमेशा तलवार लटक रही है, पेंडेमिक आ गया, सैलरीज कम हो गई, कब नौकरी चली जाएगी, कितनों की नौकरी जा रही है, यहाँ पे कभी कोई भरोसा नहीं होता है। हद क्या है कि इधर अगर हम देखेंगे तो ये बहुत से लोग हैं, कितने लोग हैं, 95% लोग हैं। मजबूरी क्या है, 10% पैसे में जूझ रहे हैं, जंग जारी है, एक पोस्ट निकलती है लाख लोग खड़े हो जाते हैं, MBA PhD वाले भी नाला साफ कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट निकली है। खैर जाने दीजिए, नेट पर देखिएगा, अखबारों में देखिएगा, आपको दिख जाएगा। दुख होता है,
शर्म आती है, तरस आता है कि हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। हमने पढ़ाई की थी, बेहतरीन काम करेंगे, लेकिन मजबूरी हमको कहीं ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर देती है जहां पे 10-15 हजार के लिए एक MBA वर्क कर रहा होता है। दोस्तों अच्छी बात नहीं है, पैसा बहुत कम है। सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं, अपनी जगह भी लगाते हैं, अपनी स्किल भी लगाते हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं, और उसके बाद इंतजार करते हैं कि कब पैसा आएगा। तो या तो आपकी मर्जी यहां रहिए, या एक और जरिया है। रॉबर्ट डी कियोसाकी कहते हैं, इधर के लोग जो हैं इसमें बिजनेस ओनर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं। ये बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर की माने समझें तो ये पैसे से पैसा कमाते हैं। मार्केट खरीद ली, मार्केट बनवा दी, किराए पर दे दी, हजारों करोड़। ये वो 100-200 शेयर वाले इन्वेस्टर नहीं होते, ये 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ वाले इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा लगा देते हैं, पैसा कमाते हैं। हमारे पास अगर ये हैसियत होती तो हम ये सब कुछ ना करते, यही करते, लेकिन नहीं थी, इसलिए इधर से इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? बिजनेस ओनर को अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, और इस नेटवर्क की मदद से पैसा कमाते हैं। कितना पैसा कमाते हैं? ये केवल 5% लोग हैं, लेकिन ये 90% पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। 90% पैसा ये एंजॉय कर रहे हैं नेटवर्क बन। बस अब नेटवर्क की बात मत कीजिए, वो हम नेटवर्किंग वाला काम नहीं करेंगे, मत कीजिए, कोई बात नहीं। वोडाफोन ने नेटवर्क बनाया है, हजारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एल्वा एडिसन ने एक बल्ब बनाया था, वो उनकी खूबी नहीं थी, उस बल्ब को खंभों और तारों के नेटवर्क से पूरे उस शहर में फैला दिया, ये उनकी खूबी थी। मत बनाते नेटवर्क, इन्हीं इसी तरफ रहते, मत नेटवर्क की बात कीजिए, इसी तरफ रहिए। ये नेटवर्क बनाते हैं, और इधर कौन लोग हैं? ये इनके नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों आपके बस में है, आपके हाथ में है, या तो आप मशीन के ओनर बन जाइए या मशीन का पुर्जा बन जाइए। पुर्जा बनेंगे तो लगातार वो पुर्जा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे घिसेगा जरूर। ओनर क्या करेगा? एक बटन दबा देगा, मशीन चलने लगेगी। वोडाफोन क्या कर रहा है? एक बटन ऑन किया, सिस्टम ऑन हो गया, नेटवर्क कनेक्टेड है, पैसा आ रहा है। बहुत सी कंपनीज जो है वो इधर बिना नेटवर्क के तो कुछ चलता ही नहीं है। पेट्रोल पंप, उनका नेटवर्क, गाड़ियां, उनका नेटवर्क, जो भी चीज देखेंगे इसी से बनती है। हमको इससे नफरत है। बस अब नेटवर्किंग नहीं, कुछ और बताइए। तो फिर यहीं पे रहिए, यहीं खुश रहिए। इनके सपने बड़े होते हैं, ये इनके सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं। समझिए, इनके ड्रीम्स बड़े होते हैं, और हम लोग, इधर के लोग, इनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए 16-16, 18-18, 20-20 घंटे इनके लिए काम करते हैं, क्योंकि हमने अपने ड्रीम्स को किताबों में बंद कर दिया है। मुंगेरी लाल के सपने हम देखते हैं और उन सपनों के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। ये लोग सपने भी देखते हैं, सपनों के लिए काम भी करते हैं। रॉबर्ट डी कियोसाकी कहते हैं, कोई भी इधर से इधर आ सकता है, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई बैन नहीं है, कोई स्पेशलिटी इधर नहीं है, कोई स्पेशल एजुकेशन इधर नहीं है, कोई भी इधर आ सकता है। दो काम तो कर ही सकते हैं, अपने को बदल सकते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इधर हम खुश हैं, अपने को बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? इन्हीं से सीखना पड़ेगा, इन्हीं से सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? जैसा ये करते हैं, जैसा ये कहते हैं, वैसा सीखना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अपने दिमाग से दोस्तों जहां तक आ सकते थे आ गए, जो अभी कर रहे हैं, जिंदगी बदलना होती बदल जाती, 2+2 अगर 5 आना होता आ जाता। तो यहां पे आकर ही सीखिए, अगर दिल और दिमाग कह रहा, अच्छा देखेंगे सोचेंगे, बहुत अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर हैं, इन लोगों को एंजॉय करने दीजिए। अगर इधर आना चाहते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को हमारी बात बुरी लगे तो हम उससे सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन कोई तो झिझोड़ने वाला चाहिए। कहां तक हम एक रोजी रोटी के लिए हैरान परेशान रहेंगे? कहां तक हम बॉस की बातें सुनेंगे? कहां तक ये कहेंगे कि तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ? कब तक कहेंगे, कब तक सुनेंगे? और शौक अगर हो गया, आदत पड़ गई है, हम दुआ करते हैं आपके लिए। कहते हैं कि पैसे की अगर बात हो रही है तो पैसा दो ही जगहों पर मिलेगा आपको, एक मैन्युफैक्चरर के पास में और एक उधर हम लोग देख रहे थे इन्वेस्टर के पास में। मैन्युफैक्चरर अगर कोई सामान बनाता है तो कंज्यूमर तक पहुंचता है। बीच में बहुत से लोग होते हैं जो
एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा चैनल है, चाहे वो एक रिक्शे वाला सामान लेकर आ रहा हो, कोरियर वाला सामान लेकर आ रहा हो, या दुकानें लगी हो, या गोडाउन बने हो, या सीएनएफ एजेंट्स हो, मॉल्स खुले हो, ऑनलाइन चल रहा हो, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर है। कर क्या रहे हैं, 40 रुपए की चीज जब यहाँ बनती है, हमारी जिंदगी की बहुत गाढ़ी कमाई का 60% पैसा ये बीच में चला जाता है। पेन लिया, मैं 200 रुपए का मिला, मान लीजिए 40 का बना था, 60 रुपए इनको दिए, हमारे पैसे से ये पूरी इंडस्ट्री चली, मैन्युफैक्चरर भी चल रहा है, बीच के लोग भी चल रहे हैं। परेशान कौन है? मैन्युफैक्चरर परेशान है, बीच के लोग परेशान है, नहीं, ये व्यक्ति परेशान है, क्योंकि जिंदगी का 60% पैसा यहाँ चला जाता है, फिर टैक्सेस कट जाते हैं, फिर फीसें चली जाती है, फिर बिजली का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, अंत में क्या होता है, महीना लंबा हो जाता है, सैलरी छोटी पड़ जाती है, 25 तारीख तक आते आते डगमगाना शुरू हो जाती है, 10% किसी की कट गई, 25% किसी की कट गई, नौकरी किसी की चल गई, यही व्यक्ति परेशान है। क्या आपके पास एक मौका है कि आप ये पैसा खुद कमा सकते हैं? आज से करीब करीब 65 साल पहले 1954 की बात है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर ने जो सेल्स का ऊपर करते थे, सेल्स के ऊपर रिसर्च देते थे, उन्होंने कहा कि यार ये पैसा बीच में जा रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा आए जो इस पैसे को डायरेक्टली कंज्यूमर को, इस तीर को उल्टा कर दे और कंज्यूमर तक पहुंचा दे। तो एक कंपनी ने कहा कि ओके हम करते हैं ऐसा। तो उन्हीं ने अपने समझिए कि गाड़ी खरीद करने की जगह थी, वहां से एक प्रोग्राम शुरू किया, एक ये सिस्टम शुरू किया, और ये 1959 की बात है। इन्हीं ने कहा कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ सकता है। शर्त क्या है? 18 साल से ऊपर हो, 18 ईयर से ऊपर हो और सांस लेता, कोई क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम उसको ये 60% की फ्रेंचाइजी दे देंगे और बहुत बड़ी बात है, फ्री। कौन ये कह रहा है? एक 70,000+ करोड़ की कंपनी कह रही है। कुछ अरसा पहले हम मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी की कोशिश कर रहे थे, 75 लाख रुपए उन्होंने मांगे, और अपनी जगह अपने इक्विपमेंट सब कुछ करने के बाद में रॉयल्टी ही इतनी मोटी। ये कंपनी कह रही है क्या छोटी मोटी पड़ोस की कंपनी है? नहीं, 70,000 बिलियन डॉलर की कंपनी कह रही है फ्रेंचाइज दे देंगे, पार्टनरशिप दे देंगे, फ्री में दे देंगे। करना क्या होगा? हम सिंपल सा अपना केवाईसी देंगे, सिंपल से केवाईसी देंगे और हमको एक आईडी इशू हो जाएगी। जैसे ही आईडी इशू होगी, हमको ये कंपनीज कुछ बेनिफिट्स देगी, कुछ बेनिफिट्स हमको कंपनी देगी। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या देगी? जब भी हम कोई सामान इनसे खरीदेंगे, ये हमको 10% से लेके और 15% तक का रिटेल मार्जिन देंगे। तो उसे सिंपल रिक्वेस्ट है कि माइक ऑफ कर लें ताकि और ना, प्लीज 3% से लेके 21% तक का हमको बोनस देंगे। अगर हमने किसी की मदद करके उसको 21% पहुंचा दिया, तो हमको ये कंपनी 6% का एक लीडरशिप कमीशन देगी। ये सब हमको मिल सकता है अगर हमने अपनी सोच को बदला और कुछ सीखने को तैयार हुए, रॉबर्ट कियोसाकी के कहने के हिसाब से। तो समय और पैसा हम कमा सकते हैं। आइए देखिए किस तरीके से हम इसको अर्न कर सकते हैं। पूरा ये जो बिजनेस है, दुनिया का हर बिजनेस, ये 4 पिलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, 4 पिलर, स्टेबिलिटी 4 पिलर से ही आती है। एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होता है, एक ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम होता है। आप लोग अगर कॉर्पोरेट में हर थोड़े दिनों बाद एक ट्रेनिंग हेड ऑफिस जाना, वहां पर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम होता है। एक सक्सेसफुल लोगों की टीम है और एक ये कमजोर कड़ी हम है। क्यों? क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये बहुत $10 बिलियन का 108 कंट्रीज में काम कर रहा है। करीब करीब 11,000 प्रोडक्ट के ऊपर इसका कंट्रोल है। जगह जगह पे कोलैबोरेशंस करता है, खुद के प्रोडक्ट बनाता है, 450 ज्यादा खुद के प्रोडक्ट है, करीब 2,000 के आसपास पेटेंट है,
जिसमें 1100-1150 के आसपास पेटेंट्स मिल चुके हैं। पेटेंट्स क्लियर कीजिएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास एक या दो पेटेंट होते हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी चल रही है पूछिए पेटेंट क्या है तो इधर उधर देखने लगते हैं कितने पेटेंट हैं। ये जितनी भी चीजें दोस्तों आपको दिखाई है सब पेटेंटेड है, एक एक ऊपर चार चार पेटेंट है, छह छह पेटेंट है, इसकी लिखाई, इसका कलर, इसके ऊपर बॉडी, ये प्लास्टिक नहीं है, इसको अगर आप दबा दीजिएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, इस पर भी पेटेंट है, तो पेटेंटेड है चीज। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, ये भी करीब करीब 40+ कंट्रीज में काम कर रही है, कितना, इसी 70,000 बिजनेस, करोड़ बिजनेस की जो बात की थी, इसका करीब करीब 35-40% के आसपास ये बिजनेस करते हैं। ये दो बड़ी कंपनियां हैं जो सपोर्ट करती हैं टीम की मदद से, ये टीम भी छोटे मोटे लोगों की टीम नहीं है। इस बिजनेस को अगर कोई करना चाहता है, 10,000 कमाना चाहता है, ये बिजनेस कमा के देगा। हवाई जहाज खरीदना चाहता है, ये बिजनेस आपको हवाई जहाज खरीदने की ताकत देगा। नहीं बिलीव है, नेट पर जाके देखिएगा, लोगों ने हवाई जहाज आइलैंड्स भी इस बिजनेस की वजह से किए हैं, खरीदे हैं। बराक ओबामा का नाम डालिएगा, वो भी इस बिजनेस कर रहा, कुछ तो दिमाग लगाया ही होगा। जॉर्ज बुश का नाम डालिएगा, वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। एक नेवी कैप्टन, वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। एक ओरेकल के डेवलपर मैनेजर जो न्यूयॉर्क में थे, वहां से छोड़ के यहाँ पे आके जब ये बिजनेस यहाँ है, वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो टीम हमारे पास बहुत मजबूत लोगों की है, कमजोर तो हम ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम अपना इसमें ब्रेन यूज करने लगते हैं और यहां से सपोर्ट नहीं लेते हैं तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम तो अपने ब्रेन से अभी जो है वो है। तो बेस्ट क्या है कि इन लोगों का हम लोग यूज करेंगे। अब पैसे की बात अगर हम करें तो हमें पैसा कैसे मिलने वाला, आइए बात करते हैं। वक्त का दामन तेजी से हाथों से छूट रहा है और इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर 5-7 मिनट इधर उधर होता है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। इंटरनेशनल कंपनी है, पॉइंट वैल्यू के नाम से इन्हीं ने एक करेंसी बनाई हुई है। इंडिया में करीब करीब टैक्स मिला के 100 रुपए का पॉइंट होता है, 80 रुपीज प्लस टैक्स। अब अगर हम मान लीजिए पेन लेकर आ रहे हैं और 100 रुपए का ये पेन है, तो हमको इस पेन के साथ साथ में जो बेनिफिट मिलना थे उधर क्या क्या बेनिफिट थे, एक बार फिर से हम लोग लिख लें। 10-15% का मार्जिन, 3-21% का बोनस, 6% का ये स्पेशल बोनस जिसके लिए हम भी काम कर रहे हैं और बहुत से लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये आपको बेनिफिट के साथ साथ में एक पॉइंट भी मिलेगा, 1 PV आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। इसके कैलकुलेशन के लिए इस कंपनी ने एक टेबल बनाई हुई है, इधर राइट साइड पर हम लोग देखेंगे टेबल को, पॉइंट वैल्यू और क्या मिलेगा। जब कभी भी हमने मान लीजिए 1 महीने में 200 पॉइंट का बिजनेस किया, मतलब हमने करीब करीब यू समझ लिए कि एक मोबाइल के बराबर बिजनेस किया, 20,000 के आसपास हमने बिजनेस किया, तो हमको क्या मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। कहते हैं जब आप 200 पॉइंट करेंगे तो आपको इन सारे बेनिफिट्स के साथ में 3% का बोनस मिलेगा, 600 पॉइंट कीजिएगा तो आपको 6% का बोनस मिलेगा, 1200 पॉइंट कीजिएगा तो आपको 9% का बोनस मिलेगा, 2400 पॉइंट कीजिएगा तो 12% का बोनस मिलेगा, 4000 पॉइंट कीजिएगा तो आपको करीब 15% का बोनस मिलेगा, 7000 पॉइंट पे आपको 18% और 10000 पॉइंट पे आपको 21% का बोनस मिलने वाला है। अब यहां पे मैंने तो भाई 200 पॉइंट का काम किया और मेरे अकाउंट में करीब करीब 3000 रुपए के आसपास अर्निंग हो गई। अभी तक क्या हो रहा था, मैं सामान लाता था, थोड़ा बेनिफिट कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट कहीं से जुगाड़ से मिल जाता था, कुछ फ्री मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे सॉलिड आपको 3000 रुपए अकाउंट में आएगा। अब आपने कहा कि यार पैसा तो अकाउंट में आया, क्योंकि जब ज्वाइन किएगा, ज्वाइन करिएगा तो 1 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करके यकीन दिला देंगे कि पैसा तो आना ही आना है। आज तक एक कंप्लेंट भी ऐसी नहीं आई पिछले 60 सालों में, भाई मेरा पैसा नहीं आया, प्लीज कीजिए। जब ये पैसा आपके पास आया तो आपने अगर आपने सोचा कि भाई मैं इस पैसे से अपनी लाइफ चेंज करना चाहता हूं, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूं, तो यहां पे जो 4 पिलर की हम लोग बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरर,
ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टीम एंड यू, मतलब मैं। आपने इनसे कहा कि भाई पैसा आ रहा है और अब मैं इससे पैसा और कमाना चाहता हूं, तो टीम आपके साथ मिलके वर्क करेगी, आपको सिखाएगी, बताएगी, आपके साथ काम करेगी और आपकी मदद से बहुत से लोगों को मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करना शुरू करेगी। जब आप लोगों से मैन्युफैक्चरर को कनेक्ट करेंगे तो जैसे आपके अकाउंट में पैसा आया था वैसे ही जब ये लोग 200 पॉइंट का बिजनेस करेंगे तो इनका भी पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है और इनके अकाउंट में भी पैसा आएगा। दोस्तों ये विन विन का बिजनेस है, मैं कमा लूं और आप परेशान रहे वो वाला सिस्टम खत्म हो गया, वो नहीं चलता। यहाँ पे आप भी कमाइए मैं भी कमाऊं, तो जैसे ही ये होता है आप यहाँ कहीं पहुंच जाते हैं, आपका 10,000 के आसपास का बिजनेस होने लगता है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कॉर्पोरेट सैलरी आपके पास आने लगती है, करीब करीब 40,000 का बिजनेस आपका 15% पहुंचता है, क्योंकि अगर आपने कमाया तो ये भी कमाना चाहेंगे, इनको भी टीम और सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, यही हमारे कर्णधार हैं, यही हमारे हेल्पर हैं, इनको छोड़ के कोई बिजनेस नहीं चलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। जैसा कहते हैं अधिक नहीं 3 महीने तो बात मानी जा सकती है, 3 महीने पूरी बात को मान कर देखिए, पूरे तरीके से इनको फॉलो करके देखिए, सारी जिंदगी किसी एक्स को फॉलो किया है तो यहाँ है, अपने को फॉलो किया है तो यहाँ है, 90 डेज तक इनको फॉलो करके देखिए। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये छोटे छोटे ये लोग भी पैसा कमाना चाहेंगे, ग्रुप्स बनना शुरू हो जाएंगे, 15% आप पहुंचते हैं, इसमें से भी कोई 6%, 3%, 9%, 12% पहुंचेगा, ये भी पैसा कमा रहे होंगे इसी रेशियो से, फिर आप धीरे 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 आपके ग्रुप में भी कोई 15% पहुंचेगा और आहिस्ता आहिस्ता कोई 9% पहुंचेगा, कोई 12% पहुंचेगा, सबकी मदद टीम और सिस्टम कर रही है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, वो सुनहरा मौका आएगा, वो सुनहरा मौका कब आएगा, जब आप 10,000 पॉइंट का बिजनेस करेंगे, 21% पहुंचेंगे, आपको एक बहुत बड़े जलसे में बुलाया जाएगा स्टेज के ऊपर, अकेले नहीं है आप, आपकी आईडी से आपकी वाइफ अगर है तो वो भी जुड़ी हुई है, वाइफ की आईडी से हस्बैंड जुड़े हुए हैं, दोनों को स्टेज पर बुलाया जाएगा, हजारों लोग आपके लिए ताली बजाएंगे और एक सिल्वर पिन आपको पहनाएंगे। मैं ये मौका देख चुका हूं, इतने हार लाद दिए थे कि दिख नहीं रहा था आगे कुछ, और आपके ऑफिस में आपके बिजनेस में जो आप दुकान खोल के बैठे हैं ऐसे मौके हमें नहीं लगता कि कभी आएंगे। तो ये सिल्वर पिन मिलेगी आपको और आपको करीब करीब 1,00,000 के आसपास आपकी इनकम होगी, हर महीने इनकम होगी, घटे बढ़ेगी भी तो 70-80 हजार तो आने ही वाली है। दोस्तों 10,000 की जंग थी, 70,000 आएंगे, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो बच्चों को अब किसी चीज के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, जो चाहिए होता है वो घर में आ जाती है, क्योंकि पैसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बहुत लाखों रुपया नहीं आ रहा, लेकिन 10-15 हजार की जरूरत थी, 10-15 हजार की जगह पे अगर आपके पास 60-70-80 हजार रुपया आ रहा है तो बहुत सी परेशानियां आपकी दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये पैसा जब आपने कमाना सीख लिया टीम और सिस्टम की मदद से, एक व्यक्ति को अगर आपने 21% कमाना सिखा दिया तो अब ये कंपनी आपको इसके बिजनेस से नहीं बल्कि इसको 21% पहुंचाने की वजह से एक ऐसा स्पेशल बोनस देगी जो कि 6% का है, और ये 6% का बोनस आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसने 10,000 पॉइंट का बिजनेस किया, 80 रुपए का एक पॉइंट था, 8,00,000 रुपए का बिजनेस किया, 8,00,000 का 6% करीब करीब 48,000 रुपए आपको मिलेगा। 1,00,000 रुपए आप पहले से कमा रहे थे, 1,48,000 की इनकम, ये अच्छी इनकम मानी जाती है और बहुत से हमारे सपने इस इनकम में पूरे होने वाले हैं। अब अगर आप एक को सिखा सकते हैं तो 3 लोगों को भी सिखा सकते हैं, 3 को सिखाते हैं तो आप एमरल्ड कहलाते हैं, और एक एमरल्ड की इनकम तकरीबन यूं मान लीजिए कि साल की 35-50 लाख के बीच में होती है। इसी तरह से अगर आप 6 लोगों की मदद कर देते हैं तो आप डायमंड कहलाते हैं, और कहते हैं, कहते नहीं बल्कि हकीकत भी है, डायमंड इस बिजनेस का किंग होता है, बादशाह होता है इस बिजनेस का, इसकी इनकम 1.5 करोड़ रुपए के आसपास होती है साल की, करोड़ रुपए, और इसके बाद जिंदगी का हर वो लम्हा जो आपके साथ होता है मुस्कुराहटे लेकर आता है, आपकी जिंदगी को बेहतर करता है। तो आपके लिए एक मौका है, रिक्वेस्ट नहीं है, ऑफर है आपके लिए, रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट
क्यों करेंगे वहां से? एक मौका है, आइए मिलकर काम करते हैं, टीम है, सिस्टम बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, मजबूत रास्ता है, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली, तो मेरी क्यों नहीं बदलेगी, आपकी क्यों नहीं बदलेगी? आइए देखते हैं आगे किस तरीके से ये सारा सब कुछ होने वाला है। नेटवर्क 21 कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, इसके ओनर है मिस्टर जिम एंड नैंसी डॉर्नर। मिस्टर जिम डॉर्नर ने N21 हमारे लिए बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि इन्होंने बिजनेस को करके देखा, एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। नैंसी जो थी वो स्पीच थेरेपिस्ट थी। एक मुसीबत इनकी जिंदगी में, खूब पैसा था, एक मुसीबत जिंदगी में आई कि बेटा पैदा हुआ तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड खुली हुई थी, उसके इलाज में इतना पैसा खर्चा हुआ कि ये कर्जे में आ गए। उस वक्त इनको ख्याल आया कि किसी ने इस कंपनी के बारे में हमको बताया था, कौन सी कंपनी? फिर वही चार पिलर की बात करें। जिम गार्डनर ने कहा, किसी ने मुझको एमवे के बारे में बताया था और चलो देखें कि क्या है ये। अब तो कर्जा आ गया लाखों रुपए का, लेटर लेके बैठे हुए थे, अपने हॉस्पिटल की तरफ से लेटर मिला था कि मिस्टर जिम अब आप अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाएंगे, अब इसको होटल अपने हॉस्पिटल को दान कर दीजिए, हॉस्पिटल को दान कर दिया। और ये खुददार बाप के लिए अपने बच्चे को दान करना दोस्तों इतना आसान काम नहीं है। फिर उन्होंने इस कंपनी के बारे में सोचना शुरू किया। एमवे नेट पर जाके देख लीजिएगा, 1950, 61 साल पुरानी कंपनी है, स्टेबिलिटी के साथ चल रही है। लोग कहते हैं वो तो बंद हो गई, दोस्तों 72,000-75,000 करोड़ का बिजनेस है। अभी टाई अप किया है इंडिया में, ITC के साथ टाई अप किया है, एप्पल के साथ में टाई अप है, सैकड़ों हजार IBM के साथ में टाई अप है। अब जाके देखिए तो नेट पे, कूप मंडूक नहीं बनेंगे हम, कुएं में बैठे हो कह रहे यही मेरी दुनिया है, देखिए कौन कंपनी है। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं इस कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में बात कर सकूं, बहुत बड़ी कंपनी है। दूसरी कंपनी है नेटवर्क 21। नेटवर्क 21 कहती है कि आइए मिलकर काम करते हैं। मैंने किया, मैं नहीं कर पा रहा था, मैंने कोशिशें की, लेकिन जब मैंने देखा कि रास्ता मुश्किल है तो मैंने उस रास्ते को हमवार किया। और इस वक्त जिम डॉर्नर दो जहाजों के मालिक है, आइलैंड्स हैं उनके पास, और यूं समझ लीजिए कि साल का कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का अर्न करते हैं, 40,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। तो ये इंसान तो जरूर सिखा सकता है उनको। इन्हीं ने एक ये ओनर्स मैनुअल लिखी है कि बुक लिखी है, इसमें इन्हीं ने पतली सी किताब है, इसमें इन्हीं ने सारे जाविये, सारे रास्ते, सारे तरीके बता दिए हैं कि इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हैं। जिसके साथ भी आए हैं जिद कीजिएगा कि भैया ये बुक हमको दिलाओ और बिजनेस शुरू कराओ, ये बुक हमको दिलाओ और बिजनेस शुरू कराओ। अगर राइट करेक्ट सही तरीके से काम कीजिएगा तो पॉसिबिलिटीज 100% है आपके पास होने की, वरना अखबार पढ़ने वाले तो अखबार ही पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि सपनों की लड़ाई है, हमने सपनों की लड़ाई लड़ी, हमने रीजंस तलाश किए, तो आप भी अपने ड्रीम्स नहीं है तो रीजंस तलाश कर लीजिए। कब तक जो है वो दूसरों के ड्रीम के लिए काम कीजिएगा। आपके पास मैसेज बॉस का आता है, आप घबरा के उठ जाते हैं, बॉस के एक मैसेज के पीछे आप 70 तरह की तरकीबें लगा देते हैं। कब तक? कोई हद होती ना हर चीज की। सेम मेरे दिल में ख्याल थे इसलिए आपके सामने जाहिर कर रहा हूं। कब तक भागते रहेंगे? कब तक 10 घंटे की नौकरी करेंगे? कब तक दुकान पे बैठे रहेंगे? आइए कुछ बदलते हैं। तो ड्रीम्स लिखिए, ड्रीम्स के साथ में आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए है, लिस्ट बनाइए। ये सारी तरकीबें आपको इसी किताब में मिल जाएंगी। लिस्ट बनाइए। कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है उसका नाम लिखिए, इसके तरीके से नाम लिखेंगे, 400-500 नाम लिख लेंगे। लिस्ट बनाने के बाद में प्रोफेशनल तरीके से, बहुत दिन तक अपनी मर्जी चला ली लेकिन अब हम लोग प्रोफेशनल तरीके से इनविटेशन करना सीखेंगे, इनवाइट करना सीखिए। आइए भाई आपको एमवे का प्लान दिखाएं, अरे जो हमने करके देखा नहीं चलता, ये मत करिए, सीखिए इनविटेशन। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन लग जाए, सीख के करिएगा, सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। पानी में कूद गए और हाथ पैर मार रहे हैं, फिर किसी ने आके बचाया, ये अच्छी बात नहीं है। किनारे पर बैठिए, जो सिखाने वाला है उसे सीखिए, तैरना सीखिए, हाथ चलाना सीखिए, आगे बढ़िए, उसकी मदद लीजिए, धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर धारे के ऑक्सीजन में भी तैरेंगे तो आप बचे रहेंगे। इन्विटेशन सीखिए, इन्विटेशन जब आप सीख जाएंगे
लोगों से जाके मिल सकते हैं, लोगों को बुला के मिल सकते हैं, और अभी तो एक बहुत बेहतरीन जरिया है, जूम के जरिए बात कर सकते हैं। हर रोज हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, हर रोज हम अपने दोस्तों से कनेक्ट रहते हैं, जूम के जरिए से ही ये प्रोग्राम होता है। इसके साथ साथ इसका ये जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाया है, सिंपल सा प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए। हमने तो 2 दिन में सीख लिया था, आप हो सकता है हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट माशाल्लाह से हैं, आप 2 घंटे 4 घंटे में सीख सकते हैं। सीख लीजिए, जिंदगी बदलने का प्रोग्राम है, बाकी तो सब चल ही रहा है। शो द प्लान, ये प्लान दिखाइए। कुछ लोग कहेंगे अरे वाह यस, हम तो जिंदगी बदलना चाहते हैं, आइए हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार, हमको प्रोडक्ट दे दीजिए, प्रोडक्ट तो इसके बहुत अच्छे हैं और वाकई अच्छे हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट लेंगे, उससे भी आपकी अर्निंग होगी, आपको पैसा मिलेगा, दूसरों की ये ना सोचे पैसा मिलेगा, चलिए माफ करते हैं, माफ किया जाता है। किसी की अगर हम हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो मेंटर हैं उन्होंने यही सोचा कि मेरे हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो आज एक नई जिंदगी मिली। अगर किसी को नई जिंदगी दे देंगे, सारी जिंदगी वो उनको दुआएं देगा, जैसे मैं अपने मेंटर को सारी जिंदगी दुआएं दूंगा। तो प्रोडक्ट सेल कीजिए। इसी के साथ साथ कोई कहेगा नहीं भाई कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं करना है, खुश रहिए, उनके लिए दुआ करिए। इसी तरह से दोस्तों 100% चीजों को यूज करके देखिए। हम लोग ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन नहीं है, हमारी बात कोई नहीं मानेगा। धोनी नहीं है कि हमने जूता पहन लिया तो सब वही पहनेंगे। हम सीखेंगे, अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, अपनी शब्दावली बढ़ाएंगे, अपने हाव भाव बदलेंगे, अपनी सेहत बेहतर करेंगे, अपनी जेब मजबूत करेंगे, अपनी बात को कहने की ताकत रखेंगे, तो बहुत से लोग हमारी बात सुनेंगे। तभी होगा जब प्रोडक्ट ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओमेगा 3 को हम वाकई में यूज कर रहे हैं, अपने दिल से लगा के रखते हैं, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। झूठ का बिजनेस नहीं है, झूठ से बिजनेस बंद तो होता है, चलता नहीं है। इसी तरीके से बार बार सीखने की बात हो रही है, तो यहाँ पे पूरा एक सिस्टम बना है, मीडिया है, जिनके साथ भी आए हैं उनसे जैसे आपने इसकी जिद की थी, मीडिया की भी जिद कीजिए। दोस्तों आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा पैसा लेने वाले नहीं है, 800 रुपए 1200 रुपए और अभी 250 रुपए में भी मीडिया आपको मिल जाता है। पूरे महीने तक सुनिए मीडिया को, उनसे बोलिए कि हमको ऑडियो दो भैया, सक्सेसफुल लोगों की जो बात हो रही थी उनकी ऑडियो दो, ऑडियो सुनकर हम देखेंगे बिजनेस क्या है। समझिए, जिद में मत करिए, जल्दीबाजी में मत करिए, समझिए, दिल से समझिए, ड्रीम्स को सामने रखिए, फैमिली के हंसते मुस्कुराते चेहरों को सामने रखिए, अपनी सेहत को सामने रखिए, इस बिजनेस को तब स्टार्ट कीजिए। तो इन लोगों को सुनिए। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे बुक्स आती हैं, किनकी बुक्स हैं, बहुत बड़े राइटर्स की बुक है, स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि स्कूलों में नौकर बनाने की बुक पढ़ाई जाती है, किताबें पढ़ाई जाती हैं, और यहाँ पे आपको बिजनेस ओनर बनाने की बुक पढ़ाई जाती है। आपको बिजनेस तो सिखाया जाता है, आपकी पर्सनालिटी को बदला जाता है, आपके हस्बैंड वाइफ बच्चों में मोहब्बत पैदा की जाती है, तब ये बिजनेस चलता है। तो बुक्स मांगिए, बुक्स पढ़िए, बुक्स को पढ़कर अपने वोकैबुलरी को, अपनी जिंदगी को बदलिए। इसी तरह से फंक्शंस होते हैं दोस्तों, नॉर्मली 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, एक वीकली होता था, एक मंथली होता था, एक सिक्स मंथली होता था। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जूम के जरिए से हम लोग आपसे मिल रहे हैं, अभी आमने सामने मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोविड ने एक दीवार हमारे बीच में खड़ी की है, लेकिन जिद्दी लोग उस दीवार को मानने वाले नहीं है। तो दोस्तों वक्त है, बदलिए अपने को, पैसा कमाइए, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। आपने बहुत प्यार से, बहुत तन्मयता से हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।